Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग जुड़ते हैं। जल्दी जल्दी एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़े रहे। गुड इवनिंग मोहित, सतीश, देवेश, संजय, अजय, रौनक, पुनीत, शिवानी, अंकिता, सत्यदानंद पाठक, आपका नाम बड़ा अजीब है। तो आप लोग जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े। आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू करने चल रहा हूं, जिसका नाम रहेगा पासा। आज हम लोग जो है डाइस शुरू करेंगे, और डाइस का मतलब पासा। कल हमने स्ट्रेटजी बता दी है कि हमको पढ़ना किस प्रकार है। आप लोग उसको जरूर देखिए, सिलेबस को नोट करिए। नोट करने के बाद हमारे साथ साथ लगाते चलिए। प्रैक्टिस की बुक आपके पास होगी, आपके पास अगर नहीं है तो उसे आप ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन की लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी, और आगे बाकी चाहे जो आप ले लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो आज जो है हम लोग रोहित सर जी पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रोहित, पूरा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और 4 महीने का टारगेट है कि 4 महीने तक हम लोग पूरा करवा लें, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के या फिर कैसे भी 2 घंटे पढ़ा के 3 घंटे पढ़ा के, लेकिन आपका जो है 4 महीने के अंदर अंदर पूरा करवा दिया जाएगा। क्योंकि जो है देखिए, सितंबर जो है अभी जो डेट आई है स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल की, तो उसके हिसाब से तो जहां तक अंदाज ये रहेगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जो है लगभग 60% सिलेबस कवर कर दें तब तक। पूरा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पूरा इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है कि 60-70% मैं क्लियर करा लूंगा, और आपकी प्रैक्टिस भी मैं चलवाऊंगा। जब एग्जाम 1 महीने रह जाएगा तो मैं प्रैक्टिस चलवाऊंगा, तो 1 महीने के लिए आपका इसको रोका जाएगा, तब केवल प्रैक्टिस चलेगी। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न बताए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फायदा जरूर मिलेगा। बैंक की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, हर तैयारी के लिए अगर रीजनिंग आती है, अगर रीजनिंग आती है तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पासा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये पासा होता क्या है। देखिए, आप लोग लूडो खेलते होंगे घर में, जो लूडो है ना वही पासा है। तो भाई ये बताइए, अगर जो है लूडो जैसे ऐसे ऐसे करके जब आप गिराते हैं तो आपको कितनी सतह दिखती है? तब आपको एक सतह नहीं दिखेगी, बाकी 5 सतह आपको दिखती है। लेकिन होता क्या है कि जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है उसमें एक पासे पर सिर्फ 3 सतह दिखती है, 3 सतह नहीं दिखती। मतलब क्या हुआ कि इसका फिगर हम लोग जो बनाएंगे, इसका फिगर हम लोग इस तरह बनाएंगे और इसमें हम देखेंगे तो इसमें आपको देखिए 3 सतह दिख रही है। मान लीजिए 1, 2, 3, तो इसमें आपको 3 सतह दिख रही है और 3 सतह नहीं दिख रही है। तो जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो इसी टाइप से पूछता है, उसमें आपको 3 सतह दिखेगी और 3 सतह नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर ये पासा कितने प्रकार का होता है और इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, पासे में पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है मानक पासा और एक आपका होता है साधारण पासा। ठीक, देखिए आप लोग अगर फेयर हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे तो फायदा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और अगर जो है, चूंकि ये वीडियो पड़ी रहेगी YouTube पे, तो आप इसको जो है पहले एक बार लाइव देखिए। लाइव देखने से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा।
तो देखिए पासा आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका मानक पासा होता है, एक आपका साधारण पासा होता है। देखिए मानक पासा का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डाइस, और साधारण पासा का मतलब हो गया सिंपल डाइस। ठीक, तो मानक पासा देखिए नाम से ही स्पष्ट है, माना गया पासा। ठीक, तो जो पासा माना गया हो अर्थात बनाया गया हो वही हमारा मानक पासा है। और मानक पासा की दो विशेषता होती है, आप लोग याद रखिएगा, मानक पासा की दो विशेषता होती है, आप लोग याद रखिएगा। पहली विशेषता यह होती है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक, विपरीत सतह का योग 7 होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये बना दिया, ठीक, अगर हमने ये बना दिया और कह दिया कि ये जो पासा है ना ये मानक पासा है, अगर हमने कह दिया कि ये मानक पासा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो अगर कोई पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो जो कि हमने कहा विपरीत सतह का योग 7 होगा, तो 1 में क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे ना, बताइए 6 जोड़ेंगे, यानी कि 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। कोई पूछेगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो भाई 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। कोई पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 में क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा, तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अर्थात 1 2 3 का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, 6 4 5। ठीक, तो ये चीज है। तो इसमें मानक पासा का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि नजदीक की सतह का योग बराबर नहीं होगा 7। मतलब कि जो नजदीक की सतह है, नजदीक की सतह मतलब जो सतह आपको दिखती है ना, जो सतह आपको दिखती है वो नजदीक की सतह होती है। जैसे देखिए हमने ये ले लिया, ठीक, ये ले लिया, अगर अभी मैं इसकी बात करूं तो इसके नजदीक कौन कौन सी सतह होगी बताइए, इसके नजदीक सतह एक ये होगी, इसके नजदीक सतह एक ये होगी, इसके नजदीक सतह एक ये होगी, इसके नजदीक सतह एक ये होगी। भाई इसके नजदीक अगर इसकी बात करें तो इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी नजदीक के हो जाएंगे, और इसके विपरीत की बात करें तो इसके विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, अर्थात इसके विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। तो वही चीज है कि नजदीक की सतह की बात की जाएगी तो जो सतह हमको दिखाई देती है वो सभी नजदीक की सतहें होती है। ठीक, जैसे 1 2 3 जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 ये हमारे नजदीक की सतह है। तो क्या है मानक पासे में जो नियम है, पहला नियम है कि विपरीत की सतह का योग 7 होगा, और दूसरा नियम है कि नजदीक की सतह का योग जो होगा वो 7 नहीं होगा। पंकज, हाँ आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग, देखिए आप लोगों के लिए ही हम जुड़े हुए हैं, और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा कि हाँ बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ठीक, तो चलिए, तो ये था हमारा मानक पासा के विषय में कुछ जानकारी। अब देखते हैं साधारण पासा क्या है। तो देखिए साधारण पासा का मतलब क्या हुआ, पांच दो तीन या एक छः चार। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बताइए, इन दोनों पासों में हम क्या देख रहे हैं, क्या ये मानक पासा है। अगर हम जोड़े तो देखिए 3 2 5, 5 3 8, 5 2 7, यानी 5 और 2, यानी कि जो हमारी सतह, हमने कहा कि जो सतह दिखती है वो हमारी नजदीक की सतह होती है। तो इसमें देख रहे हैं नजदीक की सतह का योग क्या है, 7 है। अगर नजदीक की सतह का योग 7 हो गया
जो संख्या दी गई है उसमें किसी भी संख्या का योग अगर 7 हो गया तो जान लीजिए कि दिया गया पासा आपका मानक पासा नहीं है। और साधारण पासा का यही नियम है, साधारण पासे का नियम है कि नजदीक नजदीक की सतह का योग 7 होता है। मतलब कि नजदीक की सतह का जो सतह हमको दिख रही है उस सतह का जब योग करेंगे तो योग हमको कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। अगर योग आपको 7 मिल जाएगा तो जान लीजिए कि दिया गया पासा आपका क्या है, साधारण पासा है। ठीक, दिया गया पासा क्या है, साधारण पासा है। तो ये दो चीज आप समझे कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, ओके, तो चलते हैं। देखिए अब हम लोग इस पे जो प्रश्न बनते हैं, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं उस पे चर्चा करते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि पासा कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा क्या थी। देखिए जो चित्र मतलब कि जो हमको प्रश्न पूछा जाता है वो या तो आपको एक चित्र दिया जाएगा या तो आपको दो चित्र दिया जाएगा और या तो आपको तीन चित्र दिया जाएगा। ठीक, तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो आपको केवल एक चित्र दे दिया जाएगा और विपरीत पूछ लिया जाएगा, या तो आपको दो चित्र दे दिया जाएगा और विपरीत पूछ लिया जाएगा, और या तो आपको तीन चित्र दे दिया जाएगा या तीन या तीन से अधिक चित्र दे दिया जाएगा और विपरीत पूछ लिया जाएगा। तो ये तीन प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पहले हम दो चित्र पर मतलब डिस्कस करेंगे, उसके बाद तीन चित्र पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक चित्र पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक चित्र वाला प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। ठीक, मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो चित्र वाले, और जो मैक्सिमम के बाद अर्थात अगर हम नंबरिंग करें तो पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये। तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जब दो चित्र दिए गए हों। ठीक, जब दो चित्र दिए गए हों, तो देखिए अगर दो चित्र दिए जाएंगे तो क्या हो सकता है, पहले आप उसको समझ लीजिए। आप देखिए, आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा दो चित्र दिया गया है, हमने तीन प्रश्न लिए हैं, कितने प्रश्न लिए हैं, तीन प्रश्न लिए हैं, और हम देख रहे हैं कि अगर हमको दो चित्र दिया जाएगा तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि इसमें एक भी गिनती कॉमन ना हो, मतलब एक भी गिनती ऐसी ना हो जो दोनों में हो, एक चीज तो ये देख रहे हैं। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि एक मतलब कि देखिए इसमें और इसमें दोनों में जब हम देख रहे हैं तो इसमें एक गिनती ऐसी है जो दोनों में है। ठीक, एक चीज और क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि इसमें दो गिनती ऐसी है जो कि दोनों में है। तो इसका मतलब कि अगर दो चित्र दिए गए हो उसमें भी तीन नियम आपके बनते हैं, पहला नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। मतलब
एक सतह कोई सतह का मन ना हो, एक सतह का मन हो, दो सतह का मन हो। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा जैसे बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही आप लिखिएगा। जब एक कोई सतह का मन ना हो, जब एक सतह का मन हो और जब दो सतह का मन हो। तो हम लोग इसी पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग लेते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, अर्थात जहां से स्टार्टिंग होगी पहले हमारी यहां से, उसके बाद फिर यहां से, उसके बाद यहां से। ठीक, तो आप लोग एक मिनट रुकिए, आते हैं। चलिए, तो आप लोग इंतजार किए उसके लिए सॉरी। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज, हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा वन फेस कॉमन, मतलब कि एक अंक कॉमन रहेगा, एक सतह आपकी कॉमन रहेगी दोनों में। तो चलिए पहले हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आपको इसकी जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन पहले जो हम चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे नियम है, सारे नियम हम बता देंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। तो किरण पब्लिकेशन की बुक से वही सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, जब आपके जब एक सतह कॉमन हो, अर्थात जब एक सतह आपको कॉमन दिखेगी, तो उस पासे को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो जादुई तरीका है और एक आपका जो तरीका है वो तरीका है। तो आप लोग कौन सा तरीका सीखना चाहेंगे जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा तरीका आप लोगों को सीखना है, जादुई तरीका या वो। तो मुकेश जी कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर जी दोनों तरीका बताइए। तो ठीक है, और अच्छा भी है कि दोनों तरीका जानना चाहिए, फिर तो अपने ऊपर है कि जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका लगा लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे एक दो तीन, दो पांच छह, ठीक। अब देखिए इसी पासे में, अब प्रश्न में तो रहता है कि जो है ऐसे दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि तीन का विपरीत बताइए या पांच का विपरीत बताइए या दो का विपरीत बताइए। तो हम लोग तीनों का विपरीत निकालेंगे। तीनों का विपरीत मैं बता दे रहा हूं, फिर तो जो पूछा जाएगा वो तो आप निकाल ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको एक सतह कॉमन दिख जाए, जैसे हम इसको दोनों को जब देखते हैं तो देख रहे हैं इसमें एक सतह कॉमन है, कौन, दो, दो आपको कॉमन दिख रही है। तो सबसे पहले केवल यही ढूंढिए कि कौन सी सतह आपकी कॉमन है। तो हमने ढूंढ लिया कि दो कॉमन है, जो कॉमन हो उसे आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक, जो कॉमन हो उसे आप ऐसे लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं दो कॉमन है, तो दो आपने लिख दिया। उसके बाद चाहे आप घड़ी की दिशा में चलिए और चाहे आप घड़ी के विपरीत चलिए, लेकिन अगर घड़ी की दिशा में इसमें चलेंगे तो इसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, अगर इसमें विपरीत चलेंगे तो इसमें भी विपरीत चलेंगे। दोनों में उसी हिसाब से चलना है। अगर आप इसमें, जैसे अगर आप कभी जलेबी बनाए हो घर में, तो उसमें अगर आप ऐसे करके फेंक रहे हैं तो जब बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे तभी बनेगी, और अगर आप ऐसे फेंक रहे हैं तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तभी बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। उसी प्रकार से ये है कि अगर आप इसमें इस तरह चलेंगे तो इसमें भी इसी तरह चलेंगे, अगर आप इसमें इस तरह चलेंगे तो इसमें भी इसी तरह चलेंगे। मतलब दोनों में जिस तरह आप चलेंगे उसी तरह आपको दोनों में चलना है। तो चलिए हम चलते हैं। अगर आप इसमें चलेंगे तो देखिए दो के बाद एक, एक के बाद तीन, यानी कि दो के बाद एक और एक के बाद तीन, कोई समस्या। उसी तरह अगर इसमें चलेंगे तो देखिए इसमें चलेंगे तो दो के बाद पांच, पांच के बाद छह, बस हो गया भाई। अगर कोई पूछे कि तीन का विपरीत, तीन का विपरीत छह, एक का विपरीत, एक का विपरीत पांच, कोई पूछे दो का विपरीत, तो देखिए बची क्या संख्या भाई, एक पासे में एक दो तीन चार पांच छह, यही होता है। हमने एक लिख लिया, दो लिख लिया, तीन लिख लिया, पांच लिख लिया, छह लिख लिया, कौन सी संख्या नहीं लिखा, चार नहीं लिखा। इसका मतलब कि दो का विपरीत क्या हो जाएगा,
चार। तो चाहे आपसे दो का विपरीत पूछे, चाहे आपसे एक का विपरीत पूछे, चाहे आपसे तीन का विपरीत पूछे, हम निकाल लेंगे। किसी को कोई समस्या? हमने बताया है कि अगर आप हमारी पूरी क्लास देख लेते हैं, जब पासा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप बताइएगा कि सर हम जो है पासे का ये सवाल नहीं लगा पाए। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा कि जो आप ना लगा पाए वीडियो पूरा देखने के बाद। तो चलते हैं। तो ये था, अब कुछ लोग कह रहे हैं, सर जी वो जादुई तरीका बताइए। पंकज, दीपक, सुनील, अजय, मोहित, तो चलिए जादुई तरीका देखते हैं। कुछ नहीं करना, कलम की जरूरत ही नहीं है। लो मैंने कलम बंद कर दी, अगर एक सतह कामन हो ना, तो आप यही देख लीजिए कि कौन सी गिनती नहीं दिख रही है दोनों में, कौन सी गिनती ऐसी है जो दोनों में नहीं दिख रही है। तो हमने देखा एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, पांच दिख रहा है, छह दिख रहा है, कौन सी गिनती नहीं दिख रही है बताइए आप लोग, कौन सी गिनती नहीं दिख रही है? चार नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह हुआ कि दो का विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दो का विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। अगर एक सतह कामन हो तो केवल आप यही देख लीजिए कौन सी गिनती नहीं दिख रही है, तो जो गिनती दो बार है उसका कामन क्या हो जाएगा? वही गिनती हो जाएगी जो नहीं दिख रही है। जैसे एक प्रश्न और हम देखते हैं, पांच तीन चार, पांच छ एक। तो देखिए पांच तीन चार, पांच छ एक, इसको देखने के बाद हमको क्या पता चल रहा है बताइए? आप बताइए इसमें आपको क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं कि पांच इसमें भी है, ठीक, और पांच इसमें भी है। देख रहे हैं कि पांच हमको दोनों में दिया गया है। पांच अगर दोनों में दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सतह कामन वाला रूल लगेगा, तो हम पहले पांच लिख लेंगे, उसके बाद इसमें भी घड़ी की दिशा में चलिए, इसमें भी घड़ी की दिशा में चलिए, इसमें हो जाएगा पांच चार तीन और इसमें हो जाएगा पांच छह एक। तो देखिए कौन सी गिनती है जो इसमें नहीं दिख रही है बताइए? एक हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, छह हो गया, दो नहीं दिख रहा, तो जो नहीं दिख रहा वही इसका विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार का विपरीत छह, तीन का विपरीत एक और पांच का विपरीत चार, यही आ जाएगा आंसर। कहीं अगर समस्या हो तो आप लोग बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों को यह रूल समझ में आया कि नहीं आया। केवल कुछ करना नहीं है, यही देखना है कि कौन सी सतह कामन है, और जो सतह कामन रहेगी उसी के हम घड़ी की दिशा में चाहे चले और चाहे बिना घड़ी की दिशा में चले हल कर देते हैं, ठीक। अगला जो रूल है हमारा वो है कि जब दो सतह कामन हो, ठीक, तो जब दो सतह कामन हो तब हम कैसे हल करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने ये सीखा कि पासा क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आज हमने पहला टाइप सीख लिया कि जब एक सतह कामन हो। कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपका चैप्टर तीन क्लास का है पासा, पासे में तीन क्लास में कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एक क्लास में आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक। तो प्रैक्टिस में आपके लमसम जो है 20 से 25, यानी कि ये मान चलिए कि 25-30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद आप लोग करिएगा, कोई डाउट हो तो आप डाउट हमारे ग्रुप पर भेज सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, चाहे आप फेसबुक ग्रुप पर भेजिए, और आप पेज पर जुड़ जाइए हमारे। जब आप अबाउट में जाएंगे तो वहां पेज है चैनल का, तो वहां पर आप जुड़ जाइए फेसबुक से भी, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।